रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर 4 है मैथ्स 10th का पार्शियल फ्रैक्शंस ये डिस्कस करेंगे। उससे पहले लिटिल बिट इंट्रोडक्शन कर लेते हैं कि अलजेब्रिक फ्रैक्शन, सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे कि अलजेब्रिक फ्रैक्शन क्या होता है। अलजेब्रिक फ्रैक्शन होता है एन एक्सप्रेशन ऑफ फॉर्म पी ऑफ एक्स पावर क्यू ऑफ एक्स, वेयर क्यू ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड पी ऑफ एक्स क्यू ऑफ एक्स और अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस इज कॉल्ड एन एक्सप्रेशन, इज कॉल्ड अ फ्रैक्शन। इसको हम क्या कहेंगे? फ्रैक्शन कहेंगे। तो फ्रैक्शन के आपके पास ये p ऑफ x और q ऑफ x, ये क्या है आपके पास? एक फ्रैक्शन है, राइट? हो गया। अब इस फ्रैक्शन की आगे क्लासिफिकेशन है जो इस चैप्टर में हमने फॉर्म चाहिए फ्रैक्शन की, उस फॉर्म को हम डिस्कस करेंगे, दैट इज रैशनल फ्रैक्शन। रैशनल फ्रैक्शन, तो रैशनल फ्रैक्शन क्या होता है? अ फ्रैक्शन ऑफ फॉर्म पी ऑफ एक्स अवर क्यू ऑफ एक्स, वेयर क्यू ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड पी ऑफ एक्स क्यू ऑफ एक्स आर पॉलिनोमियल्स। पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स क्या होंगे आपके पास? पॉलिनोमियल्स होंगे, राइट? हो गया। अब पी ऑफ एक्स भी पॉलिनोमियल है, क्यू ऑफ एक्स भी पॉलिनोमियल है, और क्यू ऑफ एक्स जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो जब भी दो पॉलिनोमियल्स की आप रेशो लेंगे तो उस रेशो को हम क्या कहेंगे? रैशनल फ्रैक्शन कहेंगे। तो अब रैशनल फ्रैक्शन की हम बात करते हैं, पहले पॉलिनोमियल को डिफाइन कर लेते हैं कि पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल आपके पास होता है एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ फॉर्म, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ फॉर्म, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ फॉर्म ए एन एक्स की एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स की एन माइनस वन अप टू सो ऑन ए नॉट, वेयर एन इज सच दैट नो ऑल पावर्स ऑफ एक्स, ऑल पावर्स ऑफ एक्स आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। ये अब आपके पास आ गया। और ए एन जो है ना, ए एन, ए एन माइनस वन अप टू सो ऑन ए नॉट आर रियल नंबर्स। ये क्या है आपके पास? कोई रियल नंबर्स है, क्योंकि रियल में हम काम कर रहे हैं सारे का सारा। तो ये जो कोफिशियंट्स हैं, दीज कोफिशियंट मस्ट बी एनी रियल नंबर्स। तो x की पावर जो आप इस तरीके से सेट करेंगे कि तमाम पावर्स ऑफ x जो है ना, वो आपके पास क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। से कि आपके पास ये लिखा हुआ है x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9। इसमें देखें कोई पावर भी ऐसी नहीं है जो आपके पास फ्रैक्शन में हो या नेगेटिव हो। तो दिस इज अ पॉलिनोमियल, ये आपके पास क्या है? पॉलिनोमियल है। अगर मैं ये बात करता हूं x की 1 बाई टू प्लस 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9, तो अब 1 बाई टू फ्रैक्शनल पावर आ गई है, तो इसको हम कहेंगे नॉट पॉलिनोमियल। इसी तरह अगर नेगेटिव कोई पावर आ जाए x की, तो वो भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो अब आपने रैशनल फ्रैक्शन, उसके बाद पॉलिनोमियल को डिफाइन किया। तो रैशनल फ्रैक्शन में हमने ये पढ़ा कि दो पॉलिनोमियल्स की जब आप रेशो लेते हैं, उनको डिवाइड करते हैं, तो आपके पास जो एक्सप्रेशन आती है दैट इज कॉल्ड रैशनल फ्रैक्शन। अब इसके आगे फर्दर दो टाइप्स हैं रैशनल फ्रैक्शन की, एक है आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन और एक है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्रॉपर फ्रैक्शन को डिफाइन करते हैं कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, और आफ्टर दैट हम डिफाइन करेंगे कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होगा। तो सबसे पहले हम आते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन की तरफ। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं? अ फ्रैक्शन पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन इफ डिग्री ऑफ
पी ऑफ एक्स इज लेस देन डिग्री ऑफ क्यू ऑफ एक्स. मीन टू से जो न्यूमिरेटर है उसकी पावर क्या होनी चाहिए, लेस होनी चाहिए, और डिनोमिनेटर की पावर ग्रेटर होनी चाहिए. ये x प्लस वन अवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, नीचे पावर बड़ी है. इसी तरीके से x स्क्वायर प्लस सेवन डिवाइडेड बाय 3x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2. ये भी आप देख लें कि ऊपर पावर छोटी है नीचे पावर बड़ी है. तो दीज आर प्रॉपर फ्रैक्शंस, राइट? हो गया ये आगे प्रॉपर फ्रैक्शंस. इसके बाद हम बात करते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस की, कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होते हैं. तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस आपके पास ये होते हैं कि अ फ्रैक्शन पी ऑफ एक्स अवर क्यू, यानी अलजेब्रिक फ्रैक्शन क्यू ऑफ एक्स इज नाउन एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इज नाउन एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इफ डिग्री ऑफ पी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू डिग्री ऑफ क्यू ऑफ एक्स. यानी ऊपर नीचे दिया तो पावर सेम हो जाए या फिर ऊपर पावर क्या हो जाए, बड़ी हो जाए. तो इसको हम क्या कहेंगे कि ये आपके पास क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है. तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को भी हम देख लेते हैं हल्का फुल्का सा कि ये क्या होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और इस प्रॉपर फ्रैक्शन में से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में से प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, इसको भी हम क्या करेंगे सीखेंगे. ये आपके पास एक फ्रैक्शन लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वन और एक्स स्क्वायर माइनस वन. ये अगर आप नोट करें तो इम्प्रॉपर है. इसी तरीके से एक्स क्यू प्लस वन अगर एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू, इसको भी आप नोट कर लें. ये भी आपके पास क्या है, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है. तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि ऊपर नीचे पावर या तो सेम आ जाए या फिर ऊपर पावर बड़ी आ जाए. तो दीज आर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, राइट? हो गया. तो ये क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है. अच्छा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में से प्रॉपर फ्रैक्शन को हम क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड. अब इसकी हम डिवीजन करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वन को अंदर रख लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वन को बाहर, और इनको डिवाइड कर देंगे. डिवाइड करने से क्या होगा, ये आपके पास आ जाएगा वन प्लस टू ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वन. ये वन लिखेंगे पहले क्वेश्चन, फिर रिमाइंडर, ठीक है, वन प्लस रिमाइंडर फिर डिवाइजर, राइट? हो गया. तो ये आपके पास इक्वल टू होगा जो गिवन फ्रैक्शन है उसके. तो अब इसमें से ना हमने प्रॉपर पार्ट हमने क्या कर लिया, एक्सट्रैक्ट कर लिया. तो ये आपके पास मेथड है कि जब कभी भी आपको कोई इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिया जाएगा तो आप लॉन्ग डिवीजन मेथड अप्लाई करके उसमें से प्रॉपर फ्रैक्शन को आप अलग कर सकते हैं. अब हम डिस्कस करेंगे कि पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है. पार्शियल फ्रैक्शन को अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं. फिलहाल सबसे पहले आपने एक चीज नोट करनी है कि अगर आपके पास ये कोई फ्रैक्शन दिया हुआ है पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स, ये आपके पास क्या है, कोई फ्रैक्शन है. सबसे पहले आपने इस डिनोमिनेटर को रिजॉल्व करना है इसके फैक्टर्स में. तो इसके सपोज कर लें फैक्टर्स क्या है क्यू ऑफ एक्स के, क्यू वन ऑफ एक्स, क्यू टू ऑफ एक्स, क्यू थ्री ऑफ एक्स, अप टू सो ऑन, ये कितने भी हो सकते हैं. अब पहला केस जो हम डिस्कस करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन के लिए वो तब है कि जब ये सारे के सारे क्यू वन एक्स, क्यू टू एक्स, क्यू थ्री एक्स, अप टू सो ऑन आर लीनियर फैक्टर्स. ये सारे के सारे क्या है, लीनियर, राइट? हो गया. मीन टू से इनकी ये शक्ल होगी ए एक्स प्लस बी, इस टाइप के होंगे. एक्स की सबसे बड़ी पावर क्या होगी, वन होगी. तो अब आपने क्या किया, क्यू ऑफ एक्स को सबसे पहले आपने ये किया कि फैक्टराइज कर लिया. पी की जरूरत नहीं है इसको कुछ करने की. तो दूसरी बात ये भी है, आपने याद रखना है कि ये जो फ्रैक्शन आपके पास है ये प्रॉपर होना चाहिए, ये प्रॉपर होना चाहिए. क्यू वन, क्यू टू ऑफ एक्स, क्यू थ्री ऑफ एक्स, अप टू सो ऑन, ये आपने क्या किया, इसके फैक्टर्स क्यू ऑफ एक्स की जगह पे इसके फैक्टर्स लिख दिए. अब हम क्या कर सकते हैं, इन फैक्टर्स को ब्रेक कर सकते हैं. हर फैक्टर के अगेंस्ट हम एक फ्रैक्शन लिख सकते हैं, ए वन क्यू वन ऑफ एक्स प्लस ए टू क्यू टू ऑफ एक्स प्लस ए थ्री क्यू थ्री ऑफ एक्स अप टू सो ऑन. तो दीज आर कॉल्ड पार्शियल फ्रैक्शंस. ये सारे के सारे क्या होंगे, पार्शियल फ्रैक्शंस होंगे, और इनको जब सम करेंगे तो आपके पास ये रिजल्ट आएगा. तो इसको हम क्या कहेंगे, रिजल्टेंट कहेंगे. ये रिजल्टेंट है,
और इनको हम क्या कहेंगे, दीज आर ऑल कॉल्ड पार्शियल फ्रैक्शंस। इन सब को हम क्या कहेंगे, पार्शियल फ्रैक्शंस कहेंगे। ये पार्शियल फ्रैक्शंस हो गए और ये आपके पास रिजल्टेंट है इन तमाम पार्शियल फ्रैक्शंस का। अच्छा जी, ये अब एक क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन। इसमें भी देख लें, ऊपर पावर वन है, नीचे पावर वन इंटू वन टू है। तो अब आपके पास ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसके भी हम उसी तरीके से पार्शियल फ्रैक्शन बना लेंगे। फैक्टर ऑलरेडी बने हुए हैं और ये लीनियर फैक्टर्स हैं, बी अवर एक्स प्लस थ्री, इसको इक्वेशन वन का नाम दे दें। अब जो डिनोमिनेटर है इसको दूसरी तरफ ले जाके मल्टीप्लाई करें, ए के साथ भी और बी के साथ भी। लेफ्ट साइड पे डिनोमिनेटर इसको दोनों साइडों में मल्टीप्लाई करेंगे, x माइनस फोर इंटू एक्स प्लस थ्री डिवाइडेड बाय x प्लस थ्री। ये कटिंग करने के बाद आपके पास क्या बचेगा, x माइनस इलेवन इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस थ्री प्लस b इंटू एक्स माइनस फोर, इसको टू का नाम दे। अब आपने क्या करना है, a के डिनोमिनेटर में देखें क्या है, a के डिनोमिनेटर में x माइनस फोर है, इसको जीरो पुट करेंगे और इन दोनों को वन बाय वन जीरो पुट करेंगे। x माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो इंटू या जाएगा x इज इक्वल टू फोर, तो फोर माइनस इलेवन इज इक्वल टू a इंटू फोर प्लस थ्री प्लस b इंटू फोर माइनस फोर या जाएगा माइनस सेवन इज इक्वल टू a सेवन और ये जीरो हो गया। तो a की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, सेवन को सेवन से डिवाइड करेंगे इधर आके, तो a की वैल्यू आपके पास आ जाएगी माइनस वन। लाइकवाइज b के डिनोमिनेटर में क्या है, b के डिनोमिनेटर में x प्लस थ्री है, इसको जीरो के इक्वल पुट करें इन वन या देगा x इज इक्वल टू माइनस थ्री, तो माइनस थ्री माइनस इलेवन ये जीरो हो गया, b माइनस थ्री माइनस फोर ये माइनस फोर्टीन इज इक्वल टू बी माइनस सेवन आ गया, तो माइनस फोर्टीन अवर माइनस सेवन इज इक्वल टू बी, तो बी वुड बी टू। अब ए और बी की वैल्यूज को आप इक्वेशन वन में यूज करेंगे तो आपके पास रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शंस आ जाएंगे। पुट ए एंड बी इन वन, तो एक्स माइनस इलेवन अवर एक्स माइनस फोर x प्लस थ्री इज इक्वल टू a की वैल्यू माइनस वन अवर x माइनस फोर, b की वैल्यू टू अवर x प्लस थ्री। तो ये आपके पास क्या आ गया, इसका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। और ये प्रोडक्ट फॉर्म में, और दूसरी बात ये कि यहाँ पे अगर डिग्री को चेक करें, x की पावर 1 है और ये 1 प्लस 1 2, ये मल्टीप्लाई होंगे पावर z होंगी, इसकी पावर भी 1 है, इसकी भी 1 प्लस 1 2 पावर आ रही है। तो अब अगर आप देखें ऊपर पावर 1 है, नीचे पावर 2 है, नीचे डिग्री ज्यादा है, तो ये आपके पास क्या होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। अगर ये प्रॉपर फ्रैक्शन है तो हम स्ट्रेट अवे क्या करेंगे, इसके पार्शियल फ्रैक्शन बना लेंगे। इसको लिखेंगे a ओवर x प्लस 1 प्लस b ओवर x माइनस 3, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें। अब इसके बाद करना है कि डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है दोनों साइडों पे, इसको उस साइड पे मल्टीप्लाई कर दे, दोनों साइडों पे भी मल्टीप्लाई कर दे, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो आपने इसको a के साथ भी मल्टीप्लाई करना है डिनोमिनेटर को, और b के साथ भी मल्टीप्लाई करना है। तो ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास क्या रिजल्ट आता है, इसको देख लेते हैं। x प्लस वन इंटू एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस थ्री इसके साथ गया, एक्स प्लस वन के साथ, तो 7x माइनस नाइन ए इंटू एक्स माइनस थ्री प्लस बी इंटू एक्स प्लस वन, इसको इक्वेशन टू का नाम दे। अब हमने डिटरमिन करनी है बेसिकली a और b की वैल्यूज, तो अब a और b की वैल्यूज फाइंड करने के लिए a के डिनोमिनेटर में क्या है, x प्लस वन है, तो हम ये करते हैं पुट x प्लस वन इज इक्वल टू जीरो इन वन, वन में x प्लस वन को जीरो, मीन x की वैल्यू माइनस वन, आप टू में पुट करेंगे ये, तो आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी। तो ये आ गया माइनस वन माइनस थ्री और b आ गया माइनस वन प्लस वन।
और सर ये माइनस वन हमने पुट करना था, ये माइनस वन पुट करेंगे तो ये सेवन वन जार सेवन हो जाएगा, तो इट वुड बी माइनस सिक्सटीन माइनस फोर ए, तो ये आ जाएगा ए इज इक्वल टू माइनस सिक्सटीन बाय माइनस फोर, तो कटिंग करके ए की वैल्यू कितनी आ गई फोर। अब b के ओवर में कितना है x माइनस थ्री, तो इसको जीरो के इक्वल पुट करते हैं, x माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो इन टू, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू थ्री, तो अब x की जगह पे थ्री आपने सब्सिट्यूट करना है, तो a इन टू थ्री माइनस थ्री प्लस b थ्री प्लस वन, तो ये आ गया ट्वेंटी वन माइनस नाइन इज इक्वल टू जीरो प्लस b, ये फोर आ गया, ये ट्वेल्व इज इक्वल टू b इन टू फोर, 4 को डिवाइड करें तो b की वैल्यू 3 आ जाती है। अब आपने a और b की वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है किसमें, इक्वेशन 1 में, पुट a एंड b इन 1, a और b को 1 में पुट करें तो 7x माइनस 9x प्लस 1 इनटू x माइनस 3, तो a की वैल्यू a की जगह पे लिखेंगे कितनी, a की वैल्यू 4 ओवर x प्लस 1, b की वैल्यू 3 over x minus 3, तो ये आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया। अच्छा इसको देखें, ये भी आपके पास क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्यों, क्योंकि x की पावर 1 है नीचे 2 है लेकिन फैक्टराइज्ड फॉर्म में नहीं है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर्स बनाएंगे, तो फैक्टर्स कैसे बनेंगे, x minus 5 x square plus 3 minus 1 into x minus 3, 3 1 जा 3 तो 3 minus 1 2 के इक्वल आ जाएगा, क्या देगा x माइनस फाइव अवर एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस थ्री, इसको फर्दर आप सिंप्लीफाई करें, x को कॉमन ले लें तो x प्लस थ्री माइनस वन इंटू एक्स प्लस थ्री, तो यह आ जाएगा x माइनस फाइव अवर एक्स प्लस थ्री इंटू एक्स माइनस वन, तो अब आप इसको कंसिडर करेंगे और इसके पार्शियल फ्रैक्शन बना लेंगे, कंसिडर x माइनस फाइव अवर एक्स प्लस थ्री इंटू एक्स माइनस वन, तो आ जाएगा a अवर x प्लस थ्री, लीनियर फैक्टर है, b अवर x माइनस वन। अब आपने करना ये है कि इसको जाके ना उधर मल्टीप्लाई करना है a के साथ भी और b के साथ भी, तो आ जाएगा a अवर x प्लस थ्री इंटू एक्स प्लस थ्री एक्स माइनस वन प्लस b अवर x माइनस वन एक्स प्लस थ्री इंटू एक्स माइनस वन, इन दोनों को कैंसिल कर दें, बाकी आपके पास सेम टू सेम है, ए के डिनोमिनेटर को एक दफा पुट करना है, एक दफा बी के डिनोमिनेटर को, ए और बी की वैल्यूज निकालनी है, सब्स्टिट्यूट कर देनी इक्वेशन वन में, यू विल गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट, तो ये अब आपने खुद से ट्राई कर लेना है और देखना है कि ये कैसे होगा। अच्छा इसमें देखें एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस, जब एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर नीचे पावर क्या हो जाएगी सेम हो जाएगी, जब पावर ऊपर नीचे सेम होगी तो क्या होगा ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो ये अब आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो जब तक इसमें से प्रॉपर अलग नहीं हो जाता तब तक आप इसके पार्शियल फ्रैक्शंस नहीं बना सकते, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे इसमें से प्रॉपर को आइसोलेट करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि कैसे होगा, पहले नीचे वालों को मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करके ये माइनस थ्री टू जा सिक्स आ गया, तो इसको लिखें एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स, अब ऊपर नीचे पावर सेम आ रही है तो जब भी पावर सेम होगी तो सबसे पहले लॉन्ग डिवीजन मेथड अप्लाई करेंगे, ये आपने क्या किया ऊपर वाले को अंदर रखा नीचे वाले को बाहर रख के आपने क्या करना है इसको डिवाइड किया तो वन का टेबल जाएगा, तो अब आपने डिवीजन के बाद आपने करना कुछ है कि x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा x प्लस 7, अब इसको लिखना आपने कुछ इस तरह से है कि x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 ओवर x माइनस 2 इनटू x प्लस 3 इज इक्वल टू, यानी ये मैंने क्वेश्चन लिखा इक्वल टू ये 1 ऊपर लिखेंगे, सबसे पहले ये क्वेश्चन है 1 लिखेंगे प्लस फिर ये रिमाइंडर x प्लस 7 डिवाइडेड बाय फिर डिवाइजर x स्क्वायर प्लस x माइनस 6। अब एक स्टेप आपने और परफॉर्म करना है वो ये है कि आपने सबसे पहले इसके फैक्टर्स जो तोड़े थे उनको दोबारा अपनी असल फॉर्म में वापस लिख दें, तो इसकी जगह पे आप फैक्टर्स ऊपर हमने ब्रेक किए थे तो ये आया था, इसको हम वापस लिख देते हैं x माइनस 2 इनटू x प्लस 3, इसको आप 1 का नाम दे देते हैं। अब देखिए इसमें से ये तो इम्प्रॉपर था ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, इस प्रॉपर को आप कंसीडर करके इसके पार्शियल फ्रैक्शंस बनाएंगे और जो पार्शियल फ्रैक्शंस आएंगे वो इसकी जगह पे यहां पे पुट कर देंगे तो यू विल गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो अब देखते हैं कि ये कैसे होगा,
तो इसके लिए आपने मूव कुछ इस तरह से लेना है, कंसीडर x प्लस 7 अवर x माइनस 2 x प्लस 3 इज इक्वल टू, ये अब अगर नोट करें तो प्रॉपर है, ऊपर पावर 1 है नीचे 1 इंटू 1 2 है, तो अब ये प्रॉपर है, इसके पार्शियल फ्रैक्शन हम बना सकते हैं x माइनस 2, तो b अवर x प्लस 3, इसको अब 2 का नाम दे देते हैं, अब डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं, आगे वही कहानी है सारे जो पिछले क्वेश्चंस में हम कर चुके हैं, इसको थोड़ा सा डायरेक्ट हम मूव करेंगे, तो b इंटू एक्स माइनस 2, ये आपके पास मल्टीप्लीकेशन के बाद रिजल्ट आएगा। अब a के अवर में देखें क्या है, उसको पुट करना है 0 पे, इक्वल पुट x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 इन 3, तो ये x इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे, 2 प्लस 7 दिया जाएगा 2 प्लस 3, तो b ये 0 आ गया, तो ये 9 इज इक्वल टू a इंटू 5, तो a आ गया 9/5। इसी तरह पुट b के अवर में क्या x प्लस 3, इसको 0 के इक्वल पुट करें, x इक्वल टू माइनस 3 इन 3 आ गया, दिया जाएगा माइनस 3 प्लस 7, तो a इंटू 0 हो जाएगा b इंटू माइनस 3 माइनस 2, तो ये 7 में से 3 माइनस करें 4 आ गया, b आ गया माइनस 5, तो b की वैल्यू आपके पास आ जाएगी माइनस 4/5, ये डिवीजन के बाद ये रिजल्ट आ गया। अब आपने इन दोनों वैल्यूज को 2 में पुट करना है, पुट a एंड b इन 2, इसको 2 में सब्स्टिट्यूट करें, तो x प्लस 7 अवर x प्लस x माइनस 2 इन टू x प्लस 3 इज इक्वल टू a की जगह a की वैल्यू 9/5 अवर x माइनस 2 प्लस b की जगह पे माइनस 4/5 x प्लस 3। अब आपने इसको उठा के 1 में पुट करना है, तो पुट इन 1, तो अब जरा गौर से देखिएगा कि 1 में इसको रिप्लेस कर देंगे इसके फ्रैक्शन से, ये देखिए ये इसको छोड़ देंगे और इसकी जगह पे ये फ्रैक्शंस को आपने सब्स्टिट्यूट कर देना है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा, ये अब आपके पास आंसर आ गया, x माइनस 2 x प्लस 3 इज इक्वल टू 1 प्लस 9 अवर 5, को नीचे भी ले जाके लिख सकते हैं x माइनस 2 माइनस 4 अवर 5 x प्लस 3। तो आपने क्या किया यहाँ पे 1 में, इसकी जगह पे इसके हमने पार्शियल फ्रैक्शंस जो आ रहे थे वो हमने क्या कर दिए, इंसर्ट कर दिए, 1 पी इसी तरह आया, प्लस इसी तरह आया, और ये लेफ्ट साइड भी वही है, जस्ट राइट साइड पे आपने इसकी जगह पे इसके पार्शियल फ्रैक्शन को रिप्लेस कर दिया।